संजय गुप्ता जी को वो यहाँ आए और अपने विचार हमारे सामने रखे। मुझे राजेंद्र जी जो हमारी संस्था के अध्यक्ष हैं और प्रवीण जी जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से आदेश हुआ है कि मैं आज इस सत्र में आपके सम्मुख कुछ इस संस्था के विषय में कहूँ। जैसा आप बैकग्राउंड पे देख रहे हैं, स्वावलंबी नारी संपन्न गांव, तो आज लगभग नारी जो है वो हमारे पूरे ब्रह्मांड का 50% हिस्सा है और विशेष रूप से हमारे देश में सदियों से हमने अपने धार्मिक ग्रंथों में अपने जितने धर्म से संबंधित जुड़े हुए वेद उपनिषद सभी ने हमने नारी की बड़ी व्याख्या की है, उनको हमने शक्ति का स्वरूप माना है, लेकिन हम कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली उसको कार्यान्वित नहीं कर पाए हैं और उसी का परिणाम है कि हम आज हमारा देश इस स्थिति में है। ये बात भी सत्य है कि भाई काफी तेजी से परिवर्तन आ रहा है, जागृति आ रही है। 1995 में गंगा सेवा संस्था माननीय शर्मन जी ने उनका एक विचार जागा और मेरा गांव मेरा तीर्थ ऐसा एक संकल्प लेते हुए हम गांव से जुड़े ऐसा भाव उन्होंने पैदा किया। आज उसी का परिणाम है कि हम 23 सेंटरों के द्वारा एक छोटा सा प्रयास करते हुए, बहुत साधारण प्रयास है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि अगर हमें मंजिल तक पहुंचना है तो अगर एक कदम भी आपने बढ़ा दिया तो कम से कम मंजिल एक कदम तो पास आ गई, तो यही सही, हमारा छोटा प्रयास ही सही, लेकिन एक सार्थक प्रयास है और उस सार्थक प्रयास का ही ये परिणाम है कि 7 राज्यों में, चाहे वो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर हो, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि किसी एक गांव में हम पहुंचे तो उसका इंपैक्ट आ गया। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, उड़ीसा में, उड़ीसा के यहां पर बैठे होंगे, यानी अद्वैत गणनायक जी ने जब ये उनको कहा गया कि आप अपने गांव में वार्षिक उत्सव करें, सबसे पहले तो एक गांव को अडॉप्ट करके और उसमें कार्य करने की बात थी, उन्होंने उसको किया, लेकिन जब ये बात है कि एक वार्षिक उत्सव करना है और जो वहाँ की महिलाएं अपना कार्य सीख करके उनको पारितोषिक और ये पुरस्कृत करना है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये बड़ा मुश्किल कार्य है। क्यों? क्योंकि गांव में आपस में झगड़े थे, लोग एक दूसरे से झड़ाई करते थे, शाम होते ही शराब में डूब जाते थे और आपस में बातचीत भी नहीं थी। लेकिन जब हमने उनको कहा तो उन्होंने कहा चलो देखते हैं, और उसका प्रतिफल ये हुआ कि उन्होंने एक दो लोगों से गांव में बात की, वो सब इकट्ठा आए और उसके बाद जब वो वार्षिक उत्सव हुआ और हम 22 लोग वहां पर पहुंचे, दिल्ली से 22 लोग वहां वार्षिक उत्सव में गए थे उनके, तो उसके पश्चात क्या हुआ, पूरे 4 घंटे का कार्यक्रम चला, वहां पर एक दुर्गा माँ के सम्मान में एक कलरी नृत्य होता है, उनका पारंपरिक नृत्य वो उन्होंने करके दिखाया, पूरा गांव एकजुट था। 4 घंटे मैंने कहा, 4 घंटे में भी ये सारे कार्यक्रम ही होते रहे, जो उनके पारंपरिक वेशभूषा में पारंपरिक नृत्य थे वो सब उन्होंने प्रस्तुत किए वहां पर। जब हम वहां पर सुबह पहुंचे तो गांव के प्रत्येक घर में हम सब अलग अलग नाश्ते के लिए गए, उन्होंने हमें निमंत्रित किया, जहां मैं स्वयं गया वहां पर उन्होंने
हमारा स्वागत दिए से किया, दिए की थाली सजाई, उसे हमारा स्वागत हुआ। तो कहने का अर्थ यह है कि एक छोटा सा प्रयास ही क्यों ना हो, जब दिया जलता है तो अंधेरा भाग जाता है, यानी प्रकाश और अंधेरे का ये एक साथ मिलन नहीं हो सकता। तो हमने एक दिया जलाया, एक छोटे से प्रयास किया और उसका प्रतिफल आया। तो ऐसे ही हमें ना सब अपने अपने स्थान पर हमने शुरुआत कर दी है। मेरा गांव मेरा तीर्थ, सचमुच में 70% व्यक्ति हमारे देश के हमारे गांव में निवास करते हैं, किंतु कुछ पॉलिटिकल कारणों के कारण आज 65% में भी बहुत ही दुर्दशा है। हम उस अंधेरे को छोड़ें, हम प्रकाश को देखें, हम अच्छे कार्य की तरफ लगें, पॉजिटिव सोचें, हम अपने अपने स्तर पर क्या क्या और अच्छे कार्य कर सकते हैं इस तरफ ध्यान दें। तो गंगा सेवा संस्था, आप और सभी लोग यहाँ पर जितने भी आए हैं, हमारा एक उद्देश्य ये रहता है कि सभी का एक पार्टिसिपेशन रहे। जब सबका पार्टिसिपेशन रहेगा तो एक अपनापन पैदा होता है। हम एक बहुत बड़ा नाम नहीं होंगे, उसकी आवश्यकता नहीं। हम एक बहुत बड़ा कार्य नहीं कर पाते होंगे, उसकी भी आवश्यकता नहीं। लेकिन हम छोटा सा प्रयास करें। हमने अगर मान लिया एक गांव में एक सिलाई सेंटर खोल दिया है, तो चाहे वो उस सिलाई सेंटर के कोऑर्डिनेटर हो, चाहे वो महिला कार्यकर्ती हो जो सिखा रही है, या जो सीख करके हमारे स्टूडेंट जा रहे हैं, महिलाएं शादी के बाद दूसरे गांव में जाती हैं, तो वो यहाँ से प्रेरणा लेकर के एक हिम्मत जुटाएं। जहाँ वो जा रही हैं, उनका ससुराल है, वहाँ पर ऐसे ही छोटे छोटे केंद्र खोले, 2 बच्चों को शिक्षा दें, 3 को, 5 को, 10 को, और केवल सिलाई तो एक माध्यम है, हम उसको पढ़ाई में, उसको कंप्यूटर सेंटर में, और न जाने कितने और अनेक गतिविधियों का केंद्र हम गांव को बना सकते हैं। जैसे जैसे ये प्रकाश फैलेगा, वैसे वैसे हम क्या हमारा विभाग और स्वभाव क्या हो गया है, हम चाहते हैं कि दूसरा करे, ये होना चाहिए, ये हमारी लैंग्वेज है। लेकिन चाहिए तो कोई ये तो कहे कि ये मैं करूंगा, ये मेरे को करना चाहिए। चाहिए की लैंग्वेज तो बहुत हो चुकी है, हमें प्रयास करना है। जब छोटा सा प्रयास करें, सब लोग देख रहे हैं कि पहल कौन करेगा, तो पहल हमसे ही हो जाए तो कोई हर्ज है क्या? तो हम पहल करें, छोटी पहल करें, हमारे जैसे सोच के सभी लोग सोच रहे हैं कि पहल कौन करे, और जैसे ही पहल होगा, जैसे ताली बजती है ना तो सब ताली बजाते हैं, सब ओर से आवाज आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही ये जो पहल है, ये आप पहल करें, सब तरफ से ये एक ही तरीके की आवाज आएगी, आप सब देखेंगे कि सब आपके जैसा ही सोचते हैं, परिवर्तन निश्चित हो जाएगा, और ये परिवर्तन होना ही है। प्रयास छोटा हो लेकिन सोच बड़ी है, हम इसी तरीके से पता नहीं कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो जितने भी हम सब यहाँ गंगा सेवा संस्था में स्वयं कर्मशील हैं, हमने करके दिखाया है। ऐसे जलमाना में हमारा एक जो सेंटर चलता है, वहाँ पर एक स्कूल चलता है, पिछले 2 साल में उन्होंने इतनी प्रगति की है, अभी व्रत आएंगे तो सब बात पता लगेगी। तो बड़े अच्छे कार्य हो रहे हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अंधकार भाग रहा है, उजाला आ रहा है, तो इसको हम चालू रखें। मेरा इतना ही निवेदन है।